हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शैल इंटरनेशनल। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एचपी का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल नंबर अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये है 15R205TU। ये एचपी का काफ़ी अच्छा मॉडल है, लैपटॉप कमर्शियल सीरीज का है। फ्रेंड्स, ये इसमें बहुत सारे पार्ट्स ब्रोकन हैं और मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। देखिए, साइड कॉर्नर भी ब्रोकन है इसका। ये देखिए, ए बी पैनल भी ब्रोकन है, हिंज ब्रोकन है और कॉर्नर पे जो कैप लगता है वो भी ब्रोकन है। देखिए, बेजल पूरा टूटा हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम इसको सारा चेंज करेंगे, टोटल डिसेंबल करेंगे एक तरह से। आपका इसमें अगर पूरा वीडियो देखिए, आप इसमें पूरा लैपटॉप डिसेंबल करना सीख सकते हैं। और इसमें आप अभी इसमें जो हम चेंज करेंगे, मेन हिंज है, ए बी पैनल है और कॉर्नर जो हिंज के कवर होते हैं बैक साइड में, इसमें अलग से लगते हैं दोनों साइड में, लेफ्ट राइट में, तो वो चेंज करेंगे। और वैसे लेकिन इसको चेंज करने के लिए पूरा लैपटॉप ही हमें ओपन करना पड़ेगा। तो इसमें हम नया लगाएंगे ए बी पैनल और हिंज। ये देखिए, पूरा एकदम टूट के अलग ही हो गया है हिंज, लेकिन ये हमारा पैनल स्क्रीन बच गई, स्क्रीन नहीं टूटा है। तो हम इसको पूरा ओपन करेंगे बैक साइड से। सबसे पहले तो कोई सा भी लैपटॉप को अगर आप ओपन कर रहे हैं तो उसकी बैटरी रिमूव कर लीजिए, क्योंकि कई बार होता है जैसे हम एक तो ओपन नहीं होगा, अगर कोई कोई मॉडल ओपन भी हो जाता है इंटरनल बैटरी लगी है, तो अगर नहीं रिमूव करते हैं, कहीं हम कुछ चेक कर रहे हैं या खोल रहे हैं तो शॉर्टिंग हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज हमारे बोर्ड में रहता है बैटरी का। तो हम ये बैक साइड के स्क्रू खोल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर लैपटॉप का कोई सा भी पार्ट चाहिए, मदरबोर्ड और कोई एसेसरीज़ वगैरह, तो हमारे पास अवेलेबल होते हैं बेस्ट प्राइस पर। आपको कहीं भी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ 7011115640, हम आपको कोरियर कर देंगे, आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं इस व्हाट्सएप पर। तो हमने बैक कवर खोल लिया है, तो हम कीबोर्ड निकालेंगे। इसका कीबोर्ड बैक साइड में स्क्रू होता है, उसको खोलने के बाद इधर लॉक हैं, आप लॉक को थोड़ा थोड़ा सा पीछे की साइड में पुश करेंगे तो कीबोर्ड अपने आप निकल जाएगा। उसके बाद एक कनेक्टर निकाल के कीबोर्ड को हम अलग कर लेंगे। ये पहले एक्चुअली में किसी ने शायद खोला भी है लैपटॉप, कस्टमर ने ही खोला होगा देखने के लिए। सब देखिए, कनेक्टर वगैरह निकले हुए हैं और इसके यहाँ पे ये जो प्लेट दिख रही है कीबोर्ड के नीचे, इस पर स्क्रू होते हैं, तो उनको भी खोल लेंगे। फिलहाल इसमें स्क्रू लगा नहीं है एक भी। तो हम अब टच पैनल निकाल लेंगे, क्योंकि इसका जो बोर्ड वो बेस में कसा हुआ है और बहुत सारे मॉडल का जैसे 250 G6 वगैरह आते हैं, इनका टच के साथ ऊपर के इसमें कसा हुआ होता है मदरबोर्ड। तो ये देखिए, हमारा लैपटॉप खुल चुका, ओपन हो चुका है। तो हम इसको पैनल को हमें अलग करना पड़ेगा हिंज वगैरह चेंज करने के लिए। थोड़ा सा इसमें डस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम क्लीन कर लेंगे। वैसे भी अगर लैपटॉप खोलते हैं तो फ़ैन और हीट सिंक उसको क्लीन कर लेना चाहिए, एयर पास होगा, हीट नहीं होगा आपका लैपटॉप। अगर अब यहाँ आपको बदलना है तो बोर्ड बदल सकते हैं, हार्ड डिस्क बदल सकते हैं। अब बोर्ड निकालेंगे तो बैक साइड में रैम होगा, आप रैम भी चेंज कर सकते हैं। तो अब एक तरह से समझ लीजिए पूरा लैपटॉप ओपन हो चुका है। और हम डिस्प्ले का कनेक्टर निकाल लेंगे जो LED स्क्रीन के लिए जाता है, और ये वाईफाई का कनेक्टर है, इसको भी रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये वाईफाई का एंटीना का कनेक्टर है, जो जिसका एंटीना ए बी पैनल पे लगा हुआ होता है, आपने देखा भी होगा अगर
सारे में सेम ही तरह से लगता है। तो हमें अब हिंज का स्क्रू खोल के फिर पैनल को अलग कर लेंगे। तो इधर का हिंज तो पूरा ही टूट गया है, अलग ही है, बस वो नीचे बेस में जो कसा है वही बचा हुआ है। फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये अब हम दूसरे साइड का हिंज का सारा स्क्रू ओपन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम पैनल को अलग करेंगे। आप अगर लैपटॉप खोल रहे हैं तो, मैं तो ओपनर यूज़ नहीं किया है, तो आप एक ओपनर रखिए ये पैनल वगैरह निकालने के लिए, तो उसे स्क्रैच नहीं आता है। आपको कहीं भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ कंप्यूटर के टूल्स वगैरह बेचते हैं, तो ओपनर ज़रूर रखिए लैपटॉप खोलने के लिए। तो देखिए अंदर भी सब, ये देखिए जो अंदर से इसका टूट चुका है बेस से, तो इसलिए हमें पकड़ के पूरा निकालना पड़ा इसको स्क्रू। ये देखिए निकल गया है, और इसमें भी सारे स्क्रू लगे हुए थे। अब इसका थिम्बल देखिए लेफ्ट साइड में, ये थिम्बल इसका निकल गया है, यही खुल नहीं रहा था, जो कॉर्नर का कवर था उसके साथ ये पूरा टूटा हुआ है। तो इसको हम अभी बना लेंगे, बन जाता है इजीली। ये देखिए ये थिम्बल डाल के हम इस पर थोड़ा सा एल्फी लगा के, उसके बाद फिर कुछ, या तो आपके पास कोई प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होने, तो मैं तो बाल ज़्यादातर रेता यूज करता हूँ, बालू वगैरह डाल देता हूँ तो पत्थर सा ही बन जाता है। तो पूरा देसी तरीके से आप बना सकते हैं, अगर कहीं भी थोड़ी सी बालू मिट्टी इस टाइप का कुछ मिल जाए तो उस पर, ये देखिए मैंने एल्फी लगा के उस पर डाल दिया है, फिर थोड़ा सा ऊपर से फिर एल्फी लगा देंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा, नहीं टूटेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग जो वैसे भी बनता है एयर लाइट वगैरह लगा के आप बना सकते हैं, तो वो भी चल जाता है, नहीं टूटता है। मेन सही से अगर एरल डाइट वगैरह लगा के उस, अगर हिंज का जो है अगर वो थिम्बल टूटता है तो वो हमें बनाना पड़ता है, क्यों नहीं तो उस पर ज़्यादा प्रेशर होता है तो टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है तो इससे काम हमारा चल जाएगा। ये देखिए हो गया है, थोड़ी देर रख देंगे तो एकदम सेट हो जाएगा। अब ये आ गया है, हमें जो मेन काम इसमें करना था लैपटॉप में, हिंज चेंज करनी थी, हिंज और पैनल बेजल ये चीज़ चेंज करनी थी। अब यहाँ से हम स्क्रीन निकाल लेंगे, चारों कोनों पे एक एक स्क्रू लगा होता है, ये पेपर एलईडी है, तो हम खोल के इसको निकाल लेंगे, सारे स्क्रू खोल लेंगे, उसके बाद फिर स्क्रीन निकल आएगी, उसके बाद फिर हमारा हिंज निकलेगा। तो ये आराम से कीजिए, क्योंकि स्क्रीन काफ़ी ज़रा सा अगर डिसबैलेंस हुआ कुछ हुआ तो टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। तो हमें हिंज का भी स्क्रू ओपन कर लेंगे, तो हिंज और स्क्रीन दोनों ही अलग कर लेंगे। मेन तो ये टूटा ही है, हमें मेन स्क्रीन निकालना है, क्योंकि ये नए पैनल में डालना है हमें स्क्रीन और केबल, वाईफाई का एंटीना केबल जो है, और स्क्रीन की केबल, वो हमें निकालना है और स्क्रीन निकालना है। इधर का टूटा तो नहीं है, लेकिन ये भी बिल्कुल लूज हो चुका है, तो हमें दोनों ही एक साथ ही मिलता है, पैनल के साथ ही मिल जाता है, और इसका कॉस्टली भी नहीं आता है, ये 15R का बॉडी। ये देखिए पैनल हमारा निकल गया, अब हम इसको नए ए बी पैनल जो नया है उसमें हम डालेंगे। एक कैमरा केबल है, कैमरा केबल एंटीना, वाईफाई एंटीना, कैमरा केबल
जो डिस्प्ले केबल है उसके साथ अटैच होता है, तो पूरा अगर आपको कभी चेंज करना हो दोनों साथ ही मिलता है। ये 15.6 इंच का पैनल है, तो हम इसकी केबल भी डिस्कनेक्ट कर लेंगे, फिर नए पैनल में फिट करने के बाद फिर स्क्रीन में कनेक्ट करेंगे। नहीं तो अभी हमें नए पे स्क्रीन रख के फिर केबल लगाने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए आप इसको निकाल लें बाहर, पूरा प्रॉपर उसमें लॉक में कनेक्ट लगा के नए पैनल के। फिर ये देखिए, ये हमारे पास नया पैनल है और हिंज है, और ये बोथ हिंज है, और एक कवर है कॉर्नर के बैक साइड के, और ये नए पैनल पे लोगो अलग से आता है, तो मिलता है साथ में ये HP का लोगो। नहीं तो ये जो पैनल आते हैं उन पे लोगो नहीं बना हुआ होता है। तो अब हम इसमें कैमरा केबल और वाईफाई एंटीना केबल, डिस्प्ले केबल अटैच करेंगे, प्रॉपर लगाएंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए हमारे साथ, तो अभी देखते हैं इसको, हम आपको बताएंगे कैसे पैक करेंगे पूरा लैपटॉप। तो आज के बाद अगर आपके पास लैपटॉप आता है, कोई भी पार्ट चेंज करना हो तो आप इजीली चेंज कर पाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल, क्योंकि इसी तरह की आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी, ये लैपटॉप की ही नहीं, आपको पैनल रिपेयरिंग की भी वीडियो मिलेगी, LED पैनल, LCD पैनल और TFT मॉनिटर, ये सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अलग अलग टीवी की भी वीडियो मिलेंगी आपको, अभी हम बनाएंगे टीवी भी तो डालेंगे उसमें, रिपेयरिंग की, कंप्यूटर की लगभग सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको हम इसी चैनल पर। तो ये हमने केबल लगा लिया है, तो अब हिंज लगाएंगे, केबल लगाने के बाद ही हिंज लगेगी, तो लगाने के पहले एक बार हिंज देख लें, क्योंकि मेटल का होता है कि कहीं थोड़ा सा मोल्ड वगैरह तो नहीं है, अगर मोल्ड हो तो ना लगाएं, वो परचेज़ करते टाइम पर ही चेक कर लें, क्योंकि बाद में फिट नहीं होगा, अगर आप किसी तरह फिट भी कर देंगे तो थिम्बल टूट जाएगा प्रेशर से, क्योंकि ये मेटल होता है तो ये सीधा फिर होगा नहीं इजली। तो हमने लेफ्ट हिंज लगा लिया है, तो दोनों हिंज कस लेंगे पहले, उसके बाद फिर पैनल लगाएंगे, स्क्रीन लगाएंगे। तो ये राइट हिंज भी हम स्क्रू लगा लेंगे, ये जब भी इसकी। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना चाहिए, एक तो स्क्रू जब टाइट करें आप तो बहुत ज़्यादा बस मतलब एक्स्ट्रा ना कुछ ज़्यादा ही जोर लगा के टाइट कर दें, नहीं तो थिम्बल टूट जाते हैं, इतना इसका ड्यूरेबल नहीं होता है, जो ये अलग से बाद में हम परचेज़ करते हैं पैनल, तो उतना सही नहीं होता है, इसका थोड़ा कमज़ोर रहता है, क्योंकि अगर हम टाइट कर देंगे तो टूट जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा, तो आपको फिर वही फिर से बनाना पड़ेगा चिपका के किसी तरह। तो ऐसा ना करें, आराम, जितना टाइट हो रहा है उतना ही टाइट करें, बहुत ज़्यादा टाइट स्क्रू टाइट ना करें, और ख़ासकर साइज़ का भी ध्यान रखें, कौन सा स्क्रू कहाँ से निकला है, कहाँ से लगाया है, क्योंकि अगर साइज़ भी गलत स्क्रू लगाएंगे तो भी थिम्बल हमारे ख़राब हो जाएंगे जिसमें स्क्रू आप टाइट कर रहे हैं। तो ये स्क्रीन का कनेक्टर हम लगा लेंगे, LVDS का केबल, डिस्प्ले की केबल है, LVDS केबल बोलते हैं इसको। तो अब हिंज लगाने के बाद इसमें हम पैनल लगा लेंगे, स्क्रीन लगा के फिर उसको भी स्क्रू से कस देंगे, उसके बाद फिर हम हिंज को बेस में कसेंगे। पैनल हिंज, हम दोनों हिंज भी कस लेंगे,
उसके बाद फिर हम लगाएंगे बेस में अटैच करके, फिर चेक करेंगे। तो अब चलिए हम एक बार देखते हैं फिक्स करके इसको बेस में। ये हमारा रेडी हो गया है, पैनल लगा लिया है। फिर हम बाद में बेजल लगा लेंगे यहाँ से कसने के बाद, बेस में कस के फिर उसके बाद बेजल लगाएंगे। तो ये सारे स्क्रू कस लीजिए आप, उसके बाद फिर मूव करिए, क्योंकि अगर यहाँ पे एक एक स्क्रू लगा के फिर मूव करेंगे तो फिर आपका फिर वही होगा कि एक ही थिम्बल पे ज़्यादा लोड आ जाएगा, फिर टूट जाएगा। तो यहाँ हिंज के जब भी आप किसी भी लैपटॉप में अगर ये देखिए ऐसे अगर मूव करना हो तो स्क्रू लगा लीजिए सारे, अदरवाइज़ फिर थिम्बल टूटने के ज़्यादा चांस रहेंगे, आपका थिम्बल टूट जाएगा और फिर बेस भी बेकार हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि स्क्रू सारे लगाने के बाद ही पूरा फोल्ड करें लैपटॉप को। तो मैं सारा स्क्रू लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर कीबोर्ड वगैरह लगा के फिर एक बार डिस्प्ले देखा जाएगा। ये देखिए पूरा स्क्रू लगा दिया मैंने, एकदम फ्लेक्सिबल। मूव करके देख लें हिंज ज़्यादा लूज या टाइट ना हो, क्योंकि टाइट टाइट भी नहीं होनी चाहिए, टाइट होगा तो फिर वही थिम्बल टूटने का डर रहेगा पैनल थिम्बल, और अगर लूज होगा तो जब आप बैक साइड में पीछे मूव करेंगे तो पूरा ही गिर जाएगा पीछे की साइड में, रुकेगा ही नहीं, और आगे थोड़ा सा आगे करेंगे तो बंद हो जाएगा पूरा फ्लैप हो जाए। तो इससे अच्छा है कि उससे पहले ही आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि ज़्यादा लूज ना हो, ज़्यादा टाइट ना हो। तो अभी टच पैनल भी लगा लीजिए आप, उसके बाद कीबोर्ड वगैरह लगा के फिर चेक करिए। तो टच पैनल में लगा ले रहा हूँ, अभी टच की केबल बोर्ड में फिक्स कर लीजिए, टच का ऑन ऑफ का और कीबोर्ड का। बैटरी लगा के हम उसके बाद फिर एक बार चेक करेंगे, क्योंकि उधर स्क्रीन का कनेक्टर निकाला हुआ था हमने, उसके पे फिक लगा दिया है और चेक नहीं किया है। वैसे सही तो ये होता है कि लगाने से पहले उसमें पूरा पैनल पे कसने के पहले एक बार कनेक्टर लगा के डिस्प्ले चेक कर लें, लेकिन अगर सही है सब कुछ सही लगा है, आपको लग रहा है कि नहीं सही लगा है, तो फिर आप पैक करके भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने लगाया था तो मुझे लग रहा था कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा फिक्स देखिए श्योर था कि आ जाएगा डिस्प्ले, तो इसलिए मैंने कस दिया था। नहीं तो आप पहले चेक कर लें उसके बाद भी पैनल ए बी पैनल पे चेक कर सकते हैं। तो हमने अभी थोड़ा सा ऑन करके देख लिया डिस्प्ले आ रहा है, तो हम कीबोर्ड लगा देंगे, कीबोर्ड लगा के पैक करके फिर उसके बाद ही प्रॉपर चेक करेंगे। तो मैंने कीबोर्ड का कनेक्टर लगा दिया है, अब इसको यहाँ लॉक्स हैं, बस उसमें लगा के थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो अपने आप लॉक हो जाएगा। बस एक चारों तरफ प्रेस करके जहाँ जहाँ लॉक है थोड़ा सा दबा दीजिए, और बहुत ज़्यादा प्रेस भी मत कीजिए कि डैमेज हो जाए, थोड़ा आराम से लॉक हो जाए, बस उतना ही प्रेस कीजिए थोड़ा थोड़ा सा, और लॉक हो जाता है इजीली। अभी देखिए ऊपर एक पेपर लगा हुआ है पन्नी, उसको हम उखाड़ के फिर लोगो लगाएंगे, वो आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये सीडी रोम मैंने निकाला हुआ था, तो लगा के फिर स्क्रू लगा देंगे, क्योंकि अब हमने चेक कर लिया है कि डिस्प्ले आ रहा है,
तो अब हम पूरा पैक करके उसके बाद फिर चेक करेंगे लास्ट में। तो एक कॉर्नर के कवर भी एक टूटा क्या था, वो मिसी था, था ही नहीं एक साइड का, क्योंकि वो जब थिम्बल टूट जाता है तो निकल जाता है, स्क्रू लूज हो जाता है तो खो जाता है, तो यूज़र उतना ध्यान नहीं देता है, तो बाद में वो फिर लगाना पड़ता है। तो ये लॉक लॉक होता है, थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगा, उसके बाद फिर स्क्रू लगा दीजिए। ये देखिए फिक्स हो गया इजीली, थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करके हम इसमें स्क्रू लगा देंगे, उसके बाद दूसरे साइड का लगाएंगे। तो आप इस तरह से आप 15R लैपटॉप पूरा असेंबल डिसेंबल कर सकते हैं। कुछ भी पार्ट चेंज करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं, हिंज, पैनल, बैक कवर। बैक कवर आपको चेंज करने के लिए बोर्ड खोलना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। बोर्ड पूरा आपने खोल ही लिया है मेरे साथ, बोर्ड खोल के बस हार्ड डिस्क निकालनी है, दूसरे नए बैक पैनल बैक कवर पे लगानी है। अभी देखिए पूरा निकाल दिया, बिल्कुल अभी शाइनिंग के साथ है, नया है। तो अभी ये थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है बिना लोगो को, तो हम इस पर लोगो लगाएंगे तो लगेगा कि हाँ लैपटॉप HP का ही है, क्योंकि बिना लोगो को प्लेन सा वो अजीब सा दिख रहा है। तो अगर आप कहीं से परचेज भी करते हैं तो लोगो ज़रूर मांगिए, वो इसी के साथ लोगो मिलता है। तो इसको इसके ऊपर एक रैपर लगा होता है, उसको थोड़ा सा प्रेस करके निकाल देंगे, बस वो गम लगा है, बस देखिए ये लग गया लोगो, बिल्कुल नया हो गया लैपटॉप बैक साइड पैनल से। अब दोबारा ऑन करके हम एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए ऑन हो गया। अब हमने बेजल भी लगा दिया, पूरा हमारा रेडी है, बस अब चेक करके फिर शट डाउन करेंगे। ये देखिए पूरा प्रॉपर डिस्प्ले आ रहा है इसमें। तो ये आज का वीडियो था फ्रेंड्स, ये 15R लैपटॉप का आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।